So, दोस्तों कस्टमर हमारे साथ जुड़ा है जिनका परचेसिंग कंप्लीट हो चुका है, तो जानते हैं कि इशिता हाउस में उनका परचेसिंग का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा है। नमस्ते सबको, नमस्ते। कहाँ से बिलोंग करते हो सर आप? हम तेलंगाना से हैं। तेलंगाना से? और आप सूरत फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ, सूरत फर्स्ट टाइम आए। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। कहाँ से आते हो सर आप? सुपेला विलाय छत्तीसगढ़। ओके, दुर्ग जिला, दुर्ग पड़ता है दुर्ग में, दुर्ग जिला में। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। कहाँ से बिलोंग करते हो सर आप? हम अभी सोलापुर से आए हैं। और अप्रोक्सीमेटली कितने अमाउंट का परचेसिंग किया होगा आपने अभी? अभी तो मुझे लगता है कि 85 से तो ऊपर हो गया होगा। ओके ओके। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? हाँ, मैं कर्नाटक से, तुमकुर। ओके, आप सूरत फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ, फर्स्ट टाइम आए। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మేము ఒరిస్సా నుండి వచ్చాం సార్। ఒరిస్సా నుంచి వచ్చాను సార్। మీరు మా ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ గురించి మీకు ఎలా తెలిసింది? యూట్యూబ్లో చూసాం సార్। యూట్యూబ్లో చూసాను సార్। మీరు మా దగ్గరకు వచ్చారు, ఎంత పర్చేస్ చేశారు? 6 lakhs పైన చేశాను। 6 lakhs అబౌట్ పర్చేస్ చేశాను। నమస్కారం సార్। సార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సార్? సార్ కడప డిస్ట్రిక్ట్ రాయచోటి దగ్గర గాలివీడు సార్। గాలివీడు సర్వీస్ ఎలా అనిపించింది మీకు? చాలా బాగుంది। अप्रोक्सीमेटली कितने अमाउंट का परचेसिंग किया होगा? 2 lakh तक हो गया। ओके, नमस्ते। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? लोग मुंबई। ओके, सूरत फर्स्ट टाइम आए हो? जी। और अप्रोक्सीमेटली कितने अमाउंट का परचेसिंग किया होगा अभी आपने? 5 lakh से ऊपर होगा। 5 lakh आसपास का। ओके, सो दोस्तों कस्टमर हमारे साथ जुड़े हैं जिनका परचेसिंग कंप्लीट हो चुका है, तो जानते हैं कि उनका यहाँ पर परचेसिंग का जो एक्सपीरियंस है इशिता हाउस में वो कैसा रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। कहाँ से बिलोंग करते हो सर आप? कोटा राजस्थान से। कितना अमाउंट का अप्रोक्सीमेटली? 56 का किया। 56 का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशिता हाउस फैक्ट्री आउटलेट। अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को फर्स्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे जो भी नए कलेक्शन है उसके अपडेट आपको मिलते रहे। सो दोस्तों कस्टमर हमारे साथ जुड़ा है जिनका परचेसिंग कंप्लीट हो चुका है, तो जानते हैं कि इशिता हाउस में उनका परचेसिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। कहाँ से बिलोंग करते हो सर आप? केरला से। और हमारे जो टीम एग्जीक्यूटिव थे कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग लोग होंगे, तो उन्होंने आपको सारा कलेक्शन किस तरीके से प्रॉपरली दिखाया आपको जैसे चाहिए था वैसा? हाँ, सब दिखाया और बहुत सपोर्टिव था। ओके, और अप्रोक्सीमेटली कितने अमाउंट का परचेसिंग किया होगा अभी आपने? अराउंड 70,000। ओके, सो दोस्तों कस्टमर हमारे साथ जुड़े हैं जिनका परचेसिंग कंप्लीट हो चुका है, तो जानते हैं कि उनका परचेसिंग का जो एक्सपीरियंस है वो इशिता हाउस में कैसा रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? केरला। ओके, आप सूरत फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ, सूरत पहले बार। ओके, और आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर कंटिन्यू हो ये बिजनेस में? हाँ, कंटिन्यू हो रहा है। 4 साल से। 4 साल से हो, तो आपको जैसा कलेक्शन चाहिए था वैसा आपको यहाँ पर मिल गया? बिल्कुल। अप्रोक्सीमेटली कितने अमाउंट का परचेसिंग किया होगा अभी? अभी हमने लगभग 2+ किया है। ओके, जैसे भी हम उतना प्लानिंग तो नहीं किया था, फिर भी कलेक्शंस बहुत अच्छा मिला था, इसलिए थोड़ा जी जी बिल्कुल। और नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। क्या थी बिलोंग करो छो तुम? हमें 19 वासदा। ओके, और आप सूरत फर्स्ट टाइम आए हो? नहीं, सेकंड टाइम। ओके, आप आई थिंक यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ चुके हो ना? इससे पहले भी आ चुके हो ना? इशिता हाउस में आ चुके हैं पहले। अच्छा, ओके, सेकंड टाइम आए। अच्छा, आप सेकंड टाइम यहाँ पर आए हो, तो आपको जैसा पर्टिकुलर कलेक्शन चाहिए होता है वैसा आपको यहाँ पर? हाँ, वैसा मिला है। पहली बार भी मिला था, पहली बार उसमें हमारा अच्छा फायदा हुआ उसमें। जी, और हुआ तभी हम आए दोबारा। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो क्वालिटी वगैरह आपको यहाँ पर कैसे? और अप्रोक्सीमेटली इस बार भी आपने कितने अमाउंट का परचेसिंग किया होगा? 1,14,000 तकरीबन। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? हम लोग जयपुर से बिलोंग करते हैं। ओके, सूरत आप फर्स्ट टाइम आए हो? पहली बार। और इशिता हाउस में हम लोग जब आए तो हम यहाँ पे 100% सेटिस्फाइड है। ओके, हम यहाँ पे संतुष्टि नहीं, हमें इतना मजा आया कि हमें हर चीज़ की क्वालिटी, रेट और यहाँ का जो एक जो कल्चर है ना लोगों से बात करने का, या एक जो कॉन्फिडेंस का है वो ठीक, एक मैं ठीक लगा हूँ। ओके, हमारे जो यहाँ पर आपको कलेक्शन, जो लोग कलेक्शन दिखा रहे थे, जो एग्जीक्यूटिव थे, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। ओके, और आपको जैसा कलेक्शन चाहिए था वैसा मिल गया आपको? हम तो ये सोचने लगे कि काश ऐसा कोई सिस्टम जयपुर में हो। डेफिनेटली जयपुर राजस्थान में ऐसा कोई सिस्टम हो तो मज़ा आ जाए। आई विश आपका, आप नेक्स्ट टाइम आओ तब आप मुझे यही बताओगे कि हमने भी इसी तरीके से जो है प्रॉपरली एक पूरा डेवलप कर लिया है, और बेस्ट ऑफ लक उसके लिए भी। और मैं पाटिल सर के लिए भी ये कहना चाहूँगा कि पाटिल सर ने इशिता हाउस जो किया है, अच्छी बात है,
लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने सोनू सूद जी के साथ मिलकर अच्छा काम किया जी। वो आइडल है, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों के आइडल हैं सोनू सूद, और उनके साथ आप लोगों ने कोरोना टाइम में एक लोगों की हेल्प की है, ये आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, मैं उन तक जरूर ये मैसेज भी पहुँचा दूंगी, और आप नेक्स्ट टाइम भी जब भी सूरत आओ जरूर वापस इशिता हाउस विजिट कीजिएगा। सर अप्रोक्सीमेटली कितने अमाउंट का परचेसिंग किया होगा? अभी हमने शायद लगभग 34,000 का लिया एक ट्रायल के रूप में, जबकि हम एक दिन मतलब आज ही आए और आज ही शॉपिंग किया है जी। और हम लोग नेक्स्ट में नेक्स्ट टाइम हम लोग लगभग 10 लाख 5 लाख 15 लाख जो भी डेफिनेटली और इवन हमारी बैकएंड टीम जो है वो भी आपके कंटिन्यू कांटेक्ट में रहेंगी, ताकि आपको यहाँ के सारे ही अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट टाइम भी आप जब आओ सूरत आओ तो ज़रूर इशिता हाउस विजिट कीजिएगा। नमस्ते सर। नमस्ते। कहाँ से बिलोंग करते हो सर? हम लोग MP से हैं, पन्ना डिस्ट्रिक्ट से हैं, वहाँ पास में कस्बा मानगंज है, वहाँ से आए हुए हैं। अच्छा, और आप सूरत फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ पहली बार आए हैं। बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हो या फिर कंटिन्यू? मेंस और किड्स पर पहले से, बाकी लेडीज में फर्स्ट बार कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ओके। तो मतलब इन शॉर्ट आपके कस्टमर रेशियो तो होंगे ही, राइट? हाँ, हाँ, तो आपको जैसा आपके यहाँ पर क्वालिटी और जो कलेक्शन चलता है जी, जी। वैसा आपको यहाँ पर मिल गया? हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन है, और फिर जो यहाँ के जो स्टाफ उनका व्यवहार बहुत अच्छा है जी, जिन्होंने कलेक्शन दिखाया आपको जी, जैसा। हाँ, शुरू में हम लोग आ रहे हैं तो फिर लग रहा था सूरत पहली बार जाना है, शायद कुछ फ्रॉड ना हो जाए, बाकी जब यहाँ तो ऐसा लग रहा था कोई घर घर में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है। और क्वालिटी वाइज कलेक्शन बहुत अच्छी क्वालिटी है, जैसा मतलब रेट के अकॉर्डिंग कलेक्शन? हाँ, बहुत बहुत अच्छा है जी। और अप्रोक्सीमेटली कितने अमाउंट का परचेसिंग किया होगा? हमने वो लगभग 1 लाख के अराउंड जी। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, कहाँ से बिलोंग करते हो सर आप? जी हम तो पुणे से हैं, बट हमारा शॉप जो है वो यूपी में है, लालगंज में। अच्छा, ओके। तो परचेसिंग आप यूपी के लिए? यूपी के लिए किया है, राइट? ओके। तो आप सूरत फर्स्ट टाइम आए हो? जी फर्स्ट टाइम आए हैं। और आप बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हो या फिर कंटिन्यू? जी नया स्टार्ट किया है बिजनेस। ओके, तो आपको जैसा कलेक्शन चाहिए था वैसा आपको यहाँ पर मिल गया जी। और मटेरियल की क्वालिटी वगैरह आपको कैसे लगे? क्वालिटी वगैरह तो अच्छी दिखी, जैसा मतलब चाहिए था, जैसा हमको रिक्वायरमेंट थी वैसे ही मिला, मतलब अच्छा ही मिला उससे। और हमारे जो एग्जीक्यूटिव थे कि जिन्होंने आपको कलेक्शन दिखाया, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा था? उनका बहुत अच्छा था। नॉर्मली हम लोग जैसे दुकान में जाते हैं तो कस्टमर को कस्टमर की तरह वो करते हैं, बट आपके यहाँ कस्टमर को एक अपना फैमिली मेंबर समझ के ट्रेंड किया है, मतलब ऐसे कुछ वो नहीं। सर हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि इशिता हाउस में जो भी कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर की तरह ही कंटिन्यू रहते हैं। और हमारा आप नया बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारी पूरी बैकएंड टीम जो है वो कंटिन्यू आपके साथ कॉन्टेक्ट में रहेंगे ही, ताकि आपको कोई भी नए कलेक्शन होंगे तो उसके सारे अपडेट मिल जाएंगे, कोई क्वेरी होगी तो वो आपके साथ कंटिन्यू कॉन्टेक्ट में रहेंगे। सर अप्रोक्सीमेटली आपने कितने अमाउंट का परचेसिंग किया होगा? जी अभी हमने 2 लाख का परचेसिंग किया हुआ है, अभी हमारा फर्स्ट परचेसिंग है, शॉप चालू किया है, अभी धीरे धीरे जैसे ही वो होगा इसके रिगार्डिंग फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट टाइम भी जब भी आप सूरत आओ तो जरूर इशिता हाउस विजिट कीजिएगा। नहीं जरूर आएंगे, अभी हम लोगों को फर्स्ट टाइम आए तो स्टेशन से आपके शॉप तक लाना, बाकी सब जो भी है आपकी सर्विस जो है, हाँ वो हमें पसंद आई कि हम ढूंढना नहीं पड़ेगा या घूमना नहीं पड़ेगा। कई बार होता है कि कस्टमर जो है आउट ऑफ स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ से सुविधा अवेलेबल ही है, सिर्फ इन्फॉर्म कर देते हैं एडवांस में, तो हमारे यहाँ से जो है प्रॉपरली सब लोग आ जाते हैं आपको पिकअप करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा ठीक रहता है। बाहर से जो कोई आता है उनके लिए अच्छा रहता है। और थैंक यू सो मच हमारे जो व्यूअर्स है उनको इतना जेन्युइन रिव्यू देने के लिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम भी आप जब भी सूरत आओ जरूर विजिट कीजिएगा। आएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और हमारे डिटेल्स கேக்கலாம் வாங்க फ्रेंड्स। சார் வணக்கம். வணக்கம் சார். உங்க பேர்? பேர் ராமச்சந்திரன். ராமச்சந்திரன் சார். ஓகே, டிஸ்ட்ரிக்ட் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் சார்? தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட், தமிழ்நாடு. தர்மபுரி தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடு சார், பார்த்தா தமிழ்நாடு தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து டைரக்டா சூரத்துக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டியா சார்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இஷிதா ஹவுஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான். ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ இஷிதா ஹவுஸ்ல என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு? சாரீஸ், குக்கீஸ், சுடிதார், மெட்டீரியல், சுப்பீஸு, கவர், பிளவுஸு, எல்லாம் வெரைட்டிஸ் கவர் பண்ணிட்டார். டோட்டலி ஆல் வெரைட்டிஸ். ஓகே சார், இப்போ நீங்கள் புதுசாக கடை ஷாப் ஓப்பன் பண்ண முடியா? ஆமாங்க சார், புதுசாக. ஓகே சார், கலெக்ஷன்ஸ் ஃபேப்ரிக் எப்படி இருக்குது? கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் குவாலிட்டியாக இருக்குது சார், நல்லா இருக்குது. நம்பர் ஒன் குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஓகே, வெரைட்டி இருக்குது, குவாலிட்டி இருக்குது. ஓகே. அண்ட் என்னோட இஷிதா ஹவுஸ் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ், இங்கே நிறைய பேர் வந்து தமிழ்நாடு வந்து வந்தால் லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளமு போக முடியாதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து
வரமாட்டாரு. ஸோ இந்த மாதிரி டைரக்டா வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று பச்சிருக்க லாங்குவேஜ் வரலாம் எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு. எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி பழகுறீங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி பழகுறீங்க, எல்லாமே சோசியலாக எல்லாம் இருக்கீங்க. ஓகே, எந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஓகே ஓகே சார். நமஸ்தே சார். நமஸ்தே மேம். कहाँ से बिलोंग करते हो? हाँ, मैं कर्नाटक से, तुमकुर. ओके, आप सूरत फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ, फर्स्ट टाइम आया. ओके, और आपको कलेक्शन जैसा चाहिए था वैसा आपको मिल गया? हाँ, बहुत अच्छा है. अच्छा है? हाँ, बहुत. क्वालिटी कैसी लगी आपको? क्वालिटी भी अच्छा है और वैरायटी भी अच्छा है. वैरायटी अच्छी लगी आपको? रेट वाइज रेट वाइज भी अच्छा है मैडम जी. और हमारे जो एग्जीक्यूटिव थे कि जिनका बिहेवियर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है एग्जीक्यूटिव ना, बहुत बहुत अच्छा है जी. आपको जैसा चाहिए था वैसा कलेक्शन दिखाया ना उन्होंने? ओके ओके. और अप्रोक्सीमेटली कितने अमाउंट का परचेसिंग किया? आज 95,000. ओके, आप नेक्स्ट टाइम भी जब भी सूरत आ रहे हो ज़रूर वापस विजिट कीजिएगा, यहाँ पर आइएगा. नमस्ते सर. नमस्ते. कहाँ से बिलोंग करते हो सर? मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ. सूरत आप फर्स्ट टाइम आए हो? यस मैम, फर्स्ट टाइम. और यहाँ पर हमारी जो कलेक्शन है, बाकी भी बहुत सारे कलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, तो सबकी क्वालिटी वगैरह आपको कैसी लगी? क्वालिटी तो मैम बेस्ट थी. रेट के हिसाब से क्वालिटी ठीक है? क्वालिटी ठीक है मैम. ओके, और अप्रोक्सीमेटली सर कितने अमाउंट का परचेसिंग किया होगा? लगभग 50,000. ओके. नमस्ते मैम. नमस्ते सर. कहाँ से बिलोंग करते हो आप? कलकत्ता. कलकत्ता. सूरत आप फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम. ओके, बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हो या फिर कंटिन्यू? मेरा 4 साल का है, इनका भी फर्स्ट चालू हो रहा है. अच्छा, ओके. तो मतलब आप यहाँ पर परचेसिंग के लिए स्पेशल आए हो? आपको जैसा कलेक्शन चाहिए था वैसा आपको मिल गया? बहुत अच्छा मिला, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ मिला. इसके लिए लेने वाले थे जितना, उससे बजट से ऊपर ले लिया है. अप्रोक्सीमेटली कितने अमाउंट का परचेसिंग किया होगा आपने? मैंने आज हम लोग ने 5,77,000. सत्तर हजार. ओके, जो मतलब सोच के आए थे उससे ज्यादा लिया उससे ज्यादा बहुत ज्यादा हमने अभी फिलहाल सोचे कि 2-3, 1-2 लाख तक देख लेंगे. इतना अच्छा लगा, पसंद आया कि लेते गए. कई बार होता है मैडम कि जब हम कलेक्शन परचेस करने के लिए जाते हैं तो स्पेशल होता है ना कि कुछ कुछ कलेक्शन हम लेने के लिए जाते हैं, तब हमें ऐसा कुछ क्वालिटी या फिर हमें जैसा पर्टिकुलर जैसे सोच के निकले हैं कि ऐसा कलेक्शन चाहिए वो मिलता नहीं है. पर कई बार होता है कि अनवांटेड जैसे कुछ अच्छा लगा है तो वो उस टाइम पर ही ले लेना चाहिए, तो अच्छा ही होगा कि और 100% आप बहुत ही जल्द वापस आ जाओगे. जब भी सूरत आ रहे हो, ऐसा नहीं है नेक्स्ट मंथ ही, पर उससे भी पहले का आने का कुछ प्लान भी बने तो जरूर इशिता हाउस विजिट कीजिएगा. और थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को इतना जेन्युइन रिव्यू देने के लिए. थैंक यू.